अब दूसरी स्टेज है जी प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ का मतलब ये है कि जिस तरह आपको जहाज उड़ाने से पहले कुछ चीजें बेसिक्स चीजें चाहिए होती हैं, आप उसकी तैयारी करते हो, आपको हर काम से पहले उसकी प्री रिक्विजिट चीजें चाहिए होती। जैसे आपने अगर इंटर में दाखिला लेना है तो उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आपके पास मैट्रिक की डिग्री हो, आपने बीएस में जाना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास इंटर की डिग्री हो। तो प्री कंडीशन का मतलब कि ऐसी सूरत हाल, ऐसी चीजें जो मौजूद होंगी इकोनॉमी में तो आप टेक ऑफ की तरफ जा सकते। तो वो कौन कौन सी दूसरी कंडीशन है प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, और ये कुछ छोटा टाइम नहीं होता, याद रखिए कि ट्रांजिशन का पीरियड बड़ा लंबा जुड़ा होता है। तो जो प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ ये तकरीबन 100 साल पे मुहित होता है, यानी डेवलपमेंट के लिए टेक ऑफ करने पहले कम अज कम 100 साल की तैयारी आपको चाहिए। दिस कवर्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ सेंचुरी और मोर ड्यूरिंग विच द प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ आर एस्टेब्लिश, जिसमें ये प्री कंडीशन टेक ऑफ एस्टेब्लिश होती है 100 साल या उससे ज्यादा का टाइम चाहिए आपको उसकी तैयारी के लिए, इकोनॉमी को मूव ऑन कराने के लिए। तो इसमें करना क्या आपने, दीज कंडीशन मेनली कंप्राइज द फॉलोइंग फंडामेंटल चेंजेस इन द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड। तीन फील्ड में काम करना आपने, सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में और इकोनॉमिक फील्ड। तो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फील्ड। अ चेंज इन सोसाइटीज एटीट्यूड टुवर्ड साइंस, रिस्क टेकिंग एंड प्रॉफिट अर्निंग। सोसाइटी का एटीट्यूड बदलना है, उसका रवैया बदलना है दौलत की तरफ, साइंस की तरफ। साइंस को अनोखा चीज नहीं मान लेना, साइंस पे बिलीव करना, मुशाहदे पे यकीन रखना, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, दौलत कमाने को बुरा ना समझना। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ये भी एक इशू होता है कि वो दौलत कमाने को बहुत बुरा समझते हैं, प्रॉफिट अर्निंग की तरफ नहीं जाते, वेल्थ क्रिएशन की तरफ नहीं जाती, ओवर कंटेंटेड होती हैं, जरूरत से ज्यादा कनात पसंदी होती है। कनात पसंदी ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन जरूरत से ज्यादा है कि अगर वो ज्यादा कमा सकते हैं तो नहीं कमाते हैं, बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, वेल्थ क्रिएशन की तरफ मूव नहीं करते, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं अडॉप्ट करते, रिस्क नहीं लेते, रिस्क अवर्स होते हैं, रिस्क लवर नहीं होते। तो ये सोसाइटी का सबसे पहले तो माइंड चेंज करना होता है, उनका एटीट्यूड चेंज करना होता है, उनको ये चीजें समझानी होती हैं कि रिस्क लेने से ही आप तरक्की कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। साइंस और नई चीजों को अडॉप्ट करना, पुराने तरीकों को, पुरानी चीजों को, ओल्ड मेथोडोलॉजी को छोड़ के नए तरीकों को अडॉप्ट करना और समझना कि ये अच्छे तरीके हैं, तो उन पे चलना, ये काम सोसाइटी के एटीट्यूड में, उनकी उनके रवैये में तब्दीली लेके आना पहला काम ही होता है, क्योंकि ये यहां से शुरू होंगे तो फिर आप आगे की तरफ मूव करेंगे। द अडैप्टेबिलिटी ऑफ द लेबर फोर्स, लेबर फोर्स की अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई स्किल के साथ अडाप्ट हो जाए, उसके साथ अटैच हो जाए। जैसे अगर हम फर्ज करें, अगर आपने कभी कोई इश्तिहार देखे हो जो मस्जिदों के और मजलसों के लिखे जाते हैं, वो पहले हाथ से लिखे जाते थे, अखबारात हाथ से लिखे जाते थे, अब कंप्यूटर का दौर आ गया, तो अगर लेबर फोर्स आपकी कंप्यूटर के साथ अडाप्ट नहीं होगी, कंप्यूटर को नहीं सीखेगी, तो वो कभी भी उस काम में नहीं आ सके। अगर वो कातबों पे जोर देगी, किताबत पे जोर देगी, तो कभी भी इस मैस लेवल पे अखबारात नहीं छप सकते, मैस लेवल पे इश्तिहारात नहीं छप सकते, तो प्रोडक्टिविटी फिर आपकी एक सीलिंग पे लगी रहेगी। तो अडैप्टेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपनी लेबर फोर्स को अडॉप्ट करना, उसके साथ उसको अटैच करना। पॉलिटिकल सोवरेनिटी, सियासी खुद मुख्तारी, कि वो मुल्क, वो इकॉनमी अपने फैसले खुद करे, वो खुद सोचेगा उसने क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, किस मुल्कों के साथ कैसे उसने ताल्लुकात रखने हैं, कहाँ उसने आगे मूव करना है, कहाँ स्टेप फॉरवर्ड करना है, कहाँ स्टेप बैक करना है, ये सारी चीजें वो खुद सोच सकता हो। डेवलपमेंट ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड टैक्स सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। टैक्स सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड टैक्स सिस्टम, पहले जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है उसमें होता ही है कि एक बादशाह के आगे, या जो लैंडलॉर्ड है उसके आगे उन्होंने छोटी मोटी छोटी रियासतें रखी होती हैं, वो रियासतें टैक्स इकट्ठा करती हैं और वो उसका कुछ हिस्सा बादशाह के पास जमा करवा के वो अपनी अपनी जाती फौजें रखती थी।
तो जब बादशाह को जरूरत पड़ती थी फौजों की तो वो उनसे फौजें मंगवा लेता था और उससे वो दुश्मन के इलाकों को फतह करता था या आगे वो मूव ऑन करता था। तो अब ये सिलसिला नहीं कि सारा टैक्स एक जगह पे इकट्ठा होगा, एक नेशनल आर्मी होगी, नेशनल स्टेट होगी, कोई खुद स्टेट विद इन स्टेट नहीं होगा। पहले होता था स्टेट विद इन स्टेट, छोटे छोटे राजे महाराजे होते थे, वो जिसका जब दिल करता था वो खुद मुख्तारी का ऐलान कर देता था, वो फिर सेंट्रल सिस्टम से निकल जाता था। तो ये सिस्टम नहीं चलता। अगर डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो इस सिस्टम से आपको निकलना पड़ेगा, आपको एक सेंट्रलाइज सिस्टम लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का भी, रियासत का भी और टैक्सों का भी, कि सारा टैक्स का सिस्टम एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो, वहां से डिसबर्स हो दूसरे सूबों में, दूसरे रास्तों में, दूसरे राज्यों महाराजों में, राजवाड़ों में जाए और वहां से फिर उनकी उनके काम चले और ये पॉलिटिकल सिस्टम उनका हो। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इदारे, पॉलिटिकल इदारे, फाइनेंशियल इदारे और इंश्योरेंस कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज, इससे जिससे सरमाए का फ्लो हो सके, लोनिंग फैसिलिटीज बढ़ सके, लोगों को कर्जा मिलने की सहूलतें मिल सके। तो ये एक सिस्टम, जब तक आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंज और ये इंश्योरेंस कंपनीज और दूसरे जितने भी इसके इदारे हैं, फाइनेंशियल इदारे, अगर वो काम नहीं होंगे तो इसका मतलब कि आपके पास लोनेबल फंड्स नहीं अवेलेबल होंगे। जब लोनेबल फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते, आगे आपको किसी नए आइडिया पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के पास आइडिया होता है, पैसे नहीं होते, फंड्स नहीं होते, तो फंड्स आते फिर इन इदारों से। तो ये इदारे अब आपको फंड्स नहीं देंगे, ये इदारे डेवलप ही नहीं होंगे, एस्टेब्लिश नहीं होंगे, तो फंड्स कहां से आएंगे? जब फंड्स नहीं आएंगे तो फिर आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बुनियादी तौर पर, उसमें आपकी सड़कें, आपके मोटरवेज हैं, डैम्स हैं, रेलवेज हैं, एयरलाइंस हैं, बिजली घर हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पावर जनरेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सारी बुनियाद है, बेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप टेक ऑफ नहीं कर सकते। आपके पास अच्छी सड़कें नहीं है, कम्युनिकेशन के ज़राए नहीं है, आपके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है, आपके बिजली पूरी नहीं है, आपके पास एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास गैस नहीं है या गैस का इंतज़ाम नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रेलवे नहीं है, जब ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो फिर आप प्रॉपरली टेक ऑफ की कंडीशन में नहीं जा सकते। दस इन द स्टेज ऑफ प्री कंडीशन टू टेक ऑफ रोस्टो व्यूज एग्रीकल्चर एयर परफॉर्मिंग थ्री रोल्स, क्योंकि अभी डेवलपमेंट की तरफ मूव नहीं किया, अभी हमने हमारा जो मेजर पोर्शन है इकोनॉमी का, जो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो करता है एग्रीकल्चर। तो रोस्टो फिर एग्रीकल्चर को एक बड़ा काम, बड़ा टास्क देता है या समझता है कि अगर उस स्टेज पे आपने प्री कंडीशन के लिए तरक्की करनी है तो फिर आपको एग्रीकल्चर को ये काम करना चाहिए। वो क्या है? पहली चीज, एग्रीकल्चर मस्ट प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन्स टू मीट द डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ऑफ द वर्कर्स हु गेट एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में काम करने वाले और जो ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड को मीट, यानी खुराक की जरूरियात को पूरा करने के लिए इनफ स्टफ पैदा हो, इनफ ग्रेन्स पैदा हो, इनफ गंदम पैदा हो, इनफ चावल पैदा हो, कि जो आपकी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करे और ताकि आपको वो फूड कोई भी खुराक की चीज बाहर से ना मंगवानी पड़े और ताकि आपका सरमाया जो आपने बाहर से चीजें मंगवाने के लिए जाया करना था वो बच सके। तो जो आपका फूड है वो आप सेल्फ सफिशिएंट हो अपने फूड में, कम से कम जितनी खुराकी जरूरियात है, गजाई जरूरियात है, वो कम से कम आप अपने मुल्कों में पैदा कर सकते हो। और चूंकि आपका मेजर पोर्शन जीडीपी का एग्रीकल्चर सेक्टर में है, इसलिए ये आपके लिए आसान होना चाहिए, इसमें किसी किस्म के कोई मसला नहीं होना चाहिए। और आपको ज्यादा से ज्यादा चूंकि आप एग्रेरियन सोसाइटी है, अभी टेक ऑफ किया नहीं, प्री कंडीशन पे चल रहे हैं एग्रेरियन सोसाइटी है, तो आपको कम से कम अपनी उसके लिए आबादी के लिए, अपनी पॉपुलेशन के लिए इनफ फूड आपको प्रोड्यूस करना चाहिए, कोई चीज बाहर से आपको मंगवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फूड से रिलेटेड। दूसरी चीज, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर इनकम would lead to the demand for industrial products and stimulate industrial investment. अब जो एग्रीकल्चर से जारी बात है, आप फूड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपके पास जो सरप्लस आता है इनकम का, जो एग्रीकल्चर से इनकम प्रोड्यूस होती है, वो
इन्वेस्ट होनी चाहिए, वो खर्च होनी चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे, यानी एग्रीकल्चर से जो पैसे खरीदे गए और जो कमाए गए हैं वो खर्च होने चाहिए फ्रिज खरीदने पर, वो खर्च होने चाहिए गाड़ी खरीदने पर, वो खर्च होने चाहिए थ्रेशर खरीदने पर, वो खर्च होने चाहिए एसी खरीदने पर, वो खर्च होने चाहिए मोबाइल खरीदने पर, वो खर्च होने चाहिए कंस्ट्रक्शन पर, यानी वो सारे पैसे आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर खर्च होने चाहिए। जब वो सारे पैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे खर्च होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, उससे आपकी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और जब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो फिर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चल पड़ेंगे। तो दूसरा काम कि एग्रीकल्चर जो इनकम प्रोड्यूस होती है इट मस्ट बी स्पेंड ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। थर्ड, एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर मस्ट प्रोवाइड मच ऑफ द सेविंग नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर must provide much of saving needed for the expansion of the industrial sector. जो agriculture में saving आ रही है, जारी बात है agriculture एक तो है income आपकी होनी चाहिए spend industrial products पे, लेकिन जो आपकी saving हो रही है agriculture से जो saving हो रही है वो कहाँ जानी चाहिए, और वो भी लॉस्टो कहते हैं कि उसका भी जरिया यही है कि उससे जो सरप्लस पैदा होगा वो आपका खर्च होना चाहिए, जो सेविंग चैनलाइज होनी चाहिए टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में खपे, वो कर्जे मिले इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो कर्जे मिले फैक्ट्री में काम करने वालों को, फैक्ट्रियां लगाने वालों को कर्जे मिले। इसके लिए गवर्नमेंट फोर्स इन्वेस्टमेंट भी ले सकती है कि वो टैक्सेस लगा दें एग्रीकल्चर पर, इस तरह का कि वो और वो उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो इंडस्ट्री को मुहैया करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर विल हेल्प टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि आपके पास जो वर्थ है, जो ताकत है, जो कुवत है वो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर को आप फिर अपने फायदे के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये होगी दूसरी स्टेज, प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। और दूसरी स्टेज में फिर जो सबसे अहम काम करना है वो आपने सोशल ओवरहेड कैपिटल बनाना है, रिसोर्सेज आपने लगाने हैं, आपके पास जितना टैक्स इकट्ठा होता है, जो टैक्सेस आपके पास आते हैं, तो आपने सबसे पहले सोशल ओवरहेड कैपिटल बनाना है। सोशल ओवरहेड कैपिटल क्या होता है? सोशल ओवरहेड कैपिटल आपका बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें आपकी रोड्स हैं, उसमें आपकी मोटरवेज है, उसमें आपकी रेलवेज है, और इसकी तीन अहम खसूसियात हैं। इट्स अ लंपी, ये बहुत बड़ी मकदार में होता है, लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए काम नहीं करता, ये पूरी कम्युनिटी को फायदा देता है, और ये स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो इसको बिल्डअप करे। आम बंदा इसको बिल्डअप, कोई आम बंदा मोटरवे नहीं बनाएगा, कोई आम बंदा मोटरवे नहीं बनाएगा, कोई आम बंदा बिजली घर नहीं बनाएगा, कोई आम बंदा डैम नहीं बनाएगा, ये आम बंदे के करने के काम नहीं है, ये स्टेट के करने के काम होते हैं। तो स्टेट को फिर चाहिए कि जो टैक्स कलेक्ट करती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से या इंडस्ट्री सेक्टर से, उसको सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने पर लगाए, वो मोटरवेज बनाए, वो डैम्स बनाए, वो बिजली घर बनाए, वो एनर्जी के रिसोर्सेज बनाए, और वो रेलवे पर लगाए, वो एयरपोर्ट्स बनाए, वो शिपिंग पे काम करे। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, तो फिर आप अगली स्टेज पे जाने के काबिल होंगे।